ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अम्मीजान और अपनी दादी जान को यहाँ से लेकर जाओ, सबके लिए अकीमात को बुलाओ। जी अबूजान। अम्मीजान चलिए यहाँ से। सबको सही सलामत यहां से बाहर निकाला जाए। सिपाहियों सबको बचाओ। करिश्मा है, दिन और रात एक ही साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। महफूज हर कदम करना है खुदा, है खुदा महफूज हर कदम करना है खुदा। बच्चे जाओ यहाँ से, तुम्हें चोट लग जाएगी, जाओ यहाँ से। सिपाहियों वो बच्चा कहाँ गया? घर जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें निकल जाएगा। घर जाओ अपने। ये तूफान मुझे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तूफान बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है जलाल, इसे सिर्फ तुम काबू कर सकते हो। क्या बकते हो गुस्ताख? वही जो सच है, ये कुदरत का तरीका है तुम्हें समझाने का जलाल, कि तुम गलत रास्ते पे हो। वक्त है ठीक फैसला लो, सही रास्ते पे चलो। हम बच्चा समझ कर तुमसे पेश आ रहे हैं और तुम शहंशाह के सामने इस तरह पेश आ रहे हो। बेशक मैं बच्चा हूँ, लेकिन पाक हूँ, समझदार हूँ, और तुम भी समझ लो जलाल। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे बदलने से ये दुनिया जरूर बदलेगी। देखो तुम बदले और ये कुदरत तुम्हारे लिए बदल गई। जलाल तुम्हें चुना गया है, कायनात को बदलने के लिए नहीं, तुम्हें चुना गया है।
लोगों की मदद करने के लिए। तुम्हें ताकत दी गई है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, बेसहारा कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। और खुदा की दी गई ताकत का गलत इस्तेमाल करना खुदा पर एक सवाल उठाना है। तुम खुदा नहीं हो, खुदा के एक बंदे हो। खुदा एक ही है और उसके जैसा कोई नहीं। तुम्हें दुनिया में प्यार और अमन फैलाना है, दुनिया को उसके करीब लाना है, ना ये खुद खुदा होने का दावा करना है। अगर खुदा होता तो ये तूफान नहीं होता। अगर खुदा है तो वो लोगों की हिफाजत करता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करता अगर तुम्हें उसमें यकीन होता, खुद खुदा के बंदे होने का यकीन होता। अगर तुम्हें इस तूफान को ख़त्म करना है तो अपने अंदर सुकून और शांति लानी होगी, अपने अंदर खुदा के लिए यकीन पैदा करना होगा। तुम्हें सुकून मिलेगा सही फैसला करके। बच्चे, खुद को संभाल। बच्चे बहुत खूब, अब यहां बनेगा वो किला और पूरा होगा हमारा किलेदार बनने का ख्वाब। जोधा बेगम, क्या करें? जाएं अपने हुजरे में, जाएं आराम करें, जाएं। जाइयो। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम भैया मुजमानी। बाहर की क्या खबर है? शहंशाह, आगरा में बेपनाह नुकसान हुआ है। गरीबों की झोपड़ियों की क्या बिसात, इमारतों की छत तक टूट गई है। हजारों लोग देखते ही देखते बेघर हो गए। ना खेत में फसलें बची हैं, ना ही सर पर छत। शहंशाह, लोग बहुत डरे हुए। जो हुआ है वो कुदरत का हादसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फर्ज नहीं निभाएंगे। सब लोगों की मदद की जाए और सब लोगों को फिर से बरसाया जाए, जैसे मानो कभी ये हादसा हुआ ही ना हो। पूरे महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया जाए और साथ में हमारे लिए नए तख्त बनवाए जाए। आज्ञा का पालन हो। क्या अब भी आपको लगता है कि हमारे स्वप्न गलत थे, कि उनका कोई अर्थ नहीं था, कि वो आने वाले अनिष्ट का संकेत नहीं दे रहे? शहंशाह, एक नहीं दो बार हमारा स्वप्न सच हो चुका है। पंडित बद्रीनाथ जी ने आपकी कुंडली देखकर पहले जो हुआ वो महज एक हादसा है। उसका हमारी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। जो था चले, मान लेते हमारी कुंडली खराब है, लेकिन पूरे आगरा में यह हादसा हुआ। यह हादसा तो क्या सब लोगों की कुंडली खराब है? क्या आपके पंडित जी ने उन सब लोगों की कुंडली पड़ी हुई है? शहंशाह, बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। बात तो आप कर रही हैं जोधा बेगम, हम बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो हुआ वो महज एक हादसा है, उसमें हम या आप या आपके पंडित जी कुछ नहीं कर सकते हैं। आगरा में तूफान पहले भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन आप उन सब बातों को किसी गलत बात से ना जोड़ें। परंतु शहंशाह, आप जोधा बेगम, आपके पास बहुत वक्त है, हमारे पास नहीं है। हम शहंशाह हैं, हमें इस मुश्किल से निपटना है। बेहतर होगा आप हमारे सहन को तकलीफ ना दें। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो बेहतर होगा आप अपने हुजरे में जाकर आराम करें। जाए जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं शहंशाह, परंतु ये सब जिस आने वाले अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं उसे आप कब समझेंगे? आपकी आंखें कब खुलेंगी? हे प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए शहंशाह को उचित मार्ग दिखाइए। आप लेटी रही हैं। हकीमा साहिबा ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हम पानी लाते हैं।
ये लीजिए पानी पीजिए। हम खुद पी लेंगे। आपके हाथ जले हुए हैं, आप कैसे पियेंगे? आइए हम आपको पिला देते हैं। हम हैं कहाँ? अब हमारे ख्वाब गांव में है। क्यों लाए आप हमें यहाँ? हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। हम आपकी मदद कर देते हैं। आपको हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। कोई देख लेगा तो न जाने क्या सोचेगा। कौन क्या सोचता है, मैं इस बात की फिक्र नहीं है। अब जख्मी थी इसलिए इलाज के लिए आपको यहाँ पर लेकर आ गए। क्यों? हर कनीज के लिए आपके दिल में ये रहम है? नहीं, मगर उस खातून के लिए जिसने हमारी जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसने हमारे लिए अपने हाथ चला लिए। कहीं आप ये तो नहीं समझने लगे कि हमारे दिल में आपके लिए जज्बात है? अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। हमारे दिल में अगर आपके लिए कोई जज्बात है तो वो है नफरत। हम आपको कभी मुआफ नहीं कर सकते। फिर आपने हमारी जान क्यों बचाई? 3 बजे, पहली आप वलीअहद और हम एक कनीज, दूसरी आपने हमारी जान बचाई थी इसलिए हमें आपका एहसान चुका, और तीसरी आप मान भाई के होने वाले शौहर है, और मान भाई हमारी सहेली। कुछ मिल गया, कुछ हो गया। क्या कर रही हैं आप? कहा ना हमने आपसे, बैठिए। जानो ना नारकली को देखा तो कहीं परेशान ना हो जाए, हमें कुछ करना होगा। आदाब मान भाई, कैसे हैं आप? हम ठीक है, परंतु शहजादे सलीम कैसे हैं? फिलहाल भाई जान आराम कर रहे हैं। आप भी आराम कीजिए ना। हाँ, हम उनसे कल मिल लेंगे। ये अनारकली यहाँ क्या कर रही है? अनारकली ने सलीम भाईजान की जान बचाई ना, इसीलिए वो हकीमा साहिबा की मदद कर रही है। अब चलिए ना, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते। नहीं, वो नहीं है। इनमें से कोई भी बच्चा नहीं है वो, लेकिन हर हाल में हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। हर कीमत उस बच्चे को ढूंढना होगा हमें। सुनो, हमने देखा था तुम्हें, तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब हम उस बच्चे से बात कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा ना उसे। जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। जाओ, क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर किस बच्चे को ढूंढ कर लाए हम? उस वक्त आपके सिवा और वहाँ कोई नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे लैला से सवाल करने की? और कहना क्या चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप हमें बताइए, वो बच्चा दिखने में था कैसा? जैसे बच्चे होते हैं, जो दबे के माकर किस तरह का सवाल है। लेकिन इतने खतरनाक तूफान में भी वो बड़ी आराम से खड़ा था, और हमारी तरफ देख के मुस्कुराना था वो। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। कद कद कुछ
इतना सा होगा? नहीं शायद थोड़ा कम, शायद इतना। और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, चौथा एकदम तूफान की वजह से। और फिर वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन जाएगा कहाँ? ये सल्तनत तुम्हारी है या हमारी? उसको मचलती आखिरकार हम उसे ढूंढ ही लेंगे। रात के काम कैसे चल रहे हैं राजा बीरबल साहब? आपके आदेशानुसार सारी व्यवस्था कर दी गई है शहंशाह। पीड़ितों के आवास, भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था अधिकारियों के देखरेख में हो रही है। लेकिन हर हाल में उस बच्चे को ढूंढा जाए। हमें लगता है कि वो यहीं के महल में छुप गया होगा। पूरे महल को तलाशा जाए, क्योंकि जब वो बच्चा मिलेगा तब हमें उससे बात करनी है। जी प्रणाम। आप बहुत देर से किसी गहरी सोच में डूबे हुए मौलवी साहब, क्या आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे हमें? हमने कुछ कहा तो शहंशाह हमारी बात को गुस्ताखी समझकर शायद हमारा सर कलम करवा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे। आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है, यदि कोई बात है तो बताइए। लेकिन हम ये मरियम उस जमाने का निवेदन है आपसे, बताइए हमें। नूरे कानून में लिखा है, खुदा दुनिया में हर जगह पे है। दोनों जहां में जो कुछ है वो उसी के नूर से है, उसी के करम से है। वो हर जगह अपने होने का एहसास दिलाता है। वो अपने तरीके भी खुद तय करता है, कभी पैगाम के जरिए तो कभी फरिश्तों के जरिए। वो हमें राह दिखाता है ताकि भूले हुए इंसान, भटके हुए इंसान अपने रास्ते पर वापस आ जाए। तो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा जरूर खुदा का कोई पाक नूर है, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। फरिश्ते ही ऐसे होते हैं, और जब फरिश्ते बोलते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके सामने कौन है। मरियम उस जमानी हमें शक है कि वो खुदा के पाक नूर थे। नामा निगार थे, खुदा ने खुद शहंशाह को अपना पैगाम दिया है। यदि ऐसा है तो ईश्वर शहंशाह को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात आपको खुद पता लगानी होगी मरियम उज़्ज़मानी। इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सिर्फ आगरा में ही 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, 700 से ज्यादा लोग तूफान में लापता हैं, और लाशों की वजह से महामारी फैलने का भी अंदेशा है। इस मुश्किल हालात में सब कुछ आपको संभालना होगा डॉक्टर साहब। तूफान की वजह से जितने लोगों के घर बिखर गए हैं उन सबके सर पर फिर से छत मुहैया करवाई जाए। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, माल गोदाम से उन्हें बीज और खाद मुहैया करवाई जाए। सारे हकीमों को फरमान दिया जाए कि वो सल्तनत में सबका इलाज मुफ्त में करेंगे। जरूरतमंदों के लिए शाही खजाने के दरवाजे खुलवा दिए जाए। क्षमा करें शहंशाह। थोड़ा मल साहब, शाही खजाना शाही लोगों के लिए नहीं है, और हम शहंशाह शाही खजाने की वजह से नहीं है, हम शहंशाह हमारी अवाम की वजह से। इस मुश्किल दौर में हम साबित कर देना चाहते हैं कि जो जुबान हमने अपनी अवाम को दी है कि हम वाकई मुश्किल दौर में उनका साथ देंगे, क्योंकि फरियाद में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद पर उनके लिए हाजिर होगा। बहुत महान बात कही है शहंशाह आपने। एक महान शासक की यही पहचान है कि वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करे। तोड़मल साहब, फौरन इनसे बातों के इंतजाम किए जाए। जी शहंशाह। शेखू, तुम अपनी जिंदगी के 9 साल आम लोगों के बीच में बिताए हैं, आप उनकी तकलीफों को बेहतर समझते हैं, इसलिए तमाम जिम्मेदारियां आपकी निगरानी में होंगी। ये देखना आपकी जिम्मेदारी होगी हमारे बच्चे कि जरूरतमंदों के लिए घर, दवा और खाना मुहैया हो सके। बेशक शहंशाह, आपके हुक्म की तामील होगी। और मुराद और दानियाल अब वलीहद की जिम्मेदारियों को बांटेंगे, उनके हुक्म के मुताबिक आप सारे काम करेंगे। इस मुश्किल दौर में हम साबित कर देना चाहते हैं
कि वाकई हमारी आवाम के लिए जमीन पे खुदा हम ही है कि हम उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, कि हम उनकी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक खुशखबरी है शहंशाह, फरमाइए। आपके हुक्म के मुताबिक शाह मंसूर ने कबीले वालों से किले बनाने वाली वो जगह खाली करवा ली। हमने अपनी कोशिशों से उन्हें उस जमीन से दूर कर दिया है शहंशाह। बहुत खूब, चले कुछ तो अच्छा हुआ। फौरन वो किला बनवाना शुरू करें ताकि हमारी आवाम और हमारी सल्तनत महफूज हो सके और हमारी आवाम सालों साल याद कर सके कि वाकई शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जमीन पर खुदा के बाद दूसरा खुदा है। आमीन।